चलिए मोशन में क्वेश्चंस कर रहे थे हम मोशन में. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कीपिंग द लीस्ट स्पीड फर्स्ट, है ना. नेक्स्ट देखिए, राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल व्हिच अकर इन इट. बताइए भाई फॉर्मूला पता है आपको एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है? A is equals to, yes. A is equals to V minus U by T. बोला जा रहा है explain each term. What is A? Acceleration. What is V? Final velocity. What is U? Initial velocity. What is T? Time taken. For what? Time taken to change the velocity. ठीक है? वो time, जिस time में velocity U से कितनी हो जाती है? V. Okay? So this is the time taken. Now, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. व्हिच क्वेश्चन इज दिस? यस, अ ट्रेन ट्रैवलिंग, सॉरी अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन, ओके, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है. बोला जा रहा है, फिर से ध्यान दें, अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, अ स्पीड ऑफ 20, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, ओके, इन 1. ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है. अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए. ठीक, आपको एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है बताइए? A is equals to V minus U by T. ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, समय कितना निकल गया है? ठीक है, ये रहा स्टेशन, ओके, ये स्टेशन बना लीजिए, पॉइंट ए पे स्टेशन है, स्टेशन से ये चली गई, कितनी देर के बाद देखा ऑब्जर्वर ने? 1 मिनट के. जैसे ही 1 मिनट निकला, ऐसे देखा उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड. ओके, तो 20 मीटर पर सेकंड बताइए इनिशियल है कि फाइनल है? फाइनल स्पीड है, तो इसको मैंने V से शो कर दिया, तो इनिशियल कितनी होगी? यस, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि भाई जब ट्रेन चलना शुरू करी होगी, ये देखिए है ना, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे स्पीड भी कितनी है इसकी? अभी नहीं चली है. जैसे ही समय एक पल जैसे ही निकलेगा, एक 1 इंस्टेंट, जैसे ही 1 माइक्रोसेकंड, माइक्रोसेकंड समझते हैं? यस सर. यस, 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर माइनस, सॉरी 1 माइक्रोसेकंड इज इक्वल्स टू, माइक्रो को हम ऐसे दिखाते हैं म्यू से, ये क्या साइन है? म्यू. 1 माइक्रोसेकंड इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 सेकंड, ये बहुत छोटा टाइम होता है. 10 रेज टू द पावर माइनस 6 सेकंड समझते हैं सर? 10, हां, 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 6. ओके, बहुत छोटा नंबर है कि नहीं है? है ना, कैसे बहुत छोटा नंबर है? यस, 2, 3, 4, 5, 6.00001 सेकंड. ठीक है, मतलब आप 1 सेकंड के कितने पार्ट करोगे? 10 रेज टू द पावर 6, उसमें से कितना पार्ट ले रहे हो? 1 पार्ट. इतना छोटा होता है 1 माइक्रोसेकंड. हां, तो वही मैं कह रहा हूं, जैसे ही 1 माइक्रोसेकंड निकलेगा उसने कुछ स्पीड गेन कर ली होगी, लेकिन आप कितनी देर के बाद चेक करते हैं? 1 मिनट. मतलब कितना टाइम निकल चुका है बताइए? 1 मिनट मींस व्हाट? 60 सेकंड. आपको मिनट में तो नहीं रखना है ना टाइम, क्योंकि आपको क्या पढ़ाया गया? एसआई सिस्टम में रखना है. तो भाई एसआई सिस्टम में रखना है ना आपको, तो इस मिनट को किस में चेंज कर लोगे? सेकंड में. 1 मिनट इज व्हाट? 16 सेकंड्स. कोई दिक्कत है? अब देखो आप तो समझ गए, जब स्टेशन से चलेगी ट्रेन तो यू कितना लोगे आप? 0 मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा. ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितना रखोगे? 0 मीटर पर सेकंड. फॉर्मूले में रख दीजिए, वी कितना है? 21 मीटर पर सेकंड. यू कितना है? 0 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 60 सेकंड्स. ओके, तो 21 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 21 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 60 सेकंड, तो आपका आंसर आ जाएगा. ओके, तो जो भी होगा ये आंसर, इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है. कैसे करेंगे बताइए? कौन से नंबर से डिवाइड होगा ये? 3 से. 3 7 जा और ये 3 2 जा 0. ओके, और हम 7 को किससे डिवाइड लगाएंगे? 20 से. पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, तो कितने टाइम्स जाएगा? 23 जा 60, 0 ये 1, पॉइंट की हेल्प से 0 लेंगे, 5 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100. ओके, तो कितना आ गया? 0.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कोई दिक्कत है? हाँ, सिंपल है. तो याद रखिएगा, जब भी स्टेशन से चलती है कोई ट्रेन, ऐसा निवार कर आता है, तो यू कितना लेंगे आप? 0. ओके, हाँ,
term is used to denote the change of velocity with time. Change of velocity with time. Yes, acceleration. Change of velocity with time को denote करने के लिए आप कौन से term का use करते हैं? Acceleration. ठीक है, ये सारे questions घुमा घुमा के आपको पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान देना है. Next सुनिए. Give one word which means the same as moving with a negative acceleration. बताइए. फिर से क्वेश्चन सुनिए. गिव वन वर्ड विच मींस द सेम एज मूविंग विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन. मूविंग विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम? रिटार्डेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो. फिर से ध्यान दें. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब देखिए क्या बोला जा रहा है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो. किसी इंटरवल में, किसी दिए गए टाइम में. तो आप समझ सकते हो, ये देखिए इस पॉइंट से यहाँ गया होगा, टाइम गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? गुजर रहा है. कुछ टाइम ये गुजरा और कुछ टाइम ये, तो बॉडी कहाँ आ गई वापस? ये ठीक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है. इस स्टेटमेंट से वो ऐसा कहना चाहते होंगे, आगे देखते हैं. तो आप ध्यान दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है लेकिन टाइम इंटरवल है, क्योंकि बॉडी इनिशियल पॉइंट से कहीं गई और वापस कहां गई? इनिशियल पॉइंट पे. ओके, तो क्वेश्चन सुनिए क्या बोला जा रहा है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो. वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो बी जीरो? नो. यस, बोला जा रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो एक डायग्राम बना के आप रीजन दे देंगे. डिस्टेंस कितना होगा? 100 प्लस 100 200, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो. 100 माइनस, इधर आ गया माइनस 100. 100 माइनस 100 इज जीरो. तो याद रखिए, जब कोई बॉडी किसी पॉइंट ए से कहीं जाती होगी, वापस उसी पॉइंट पे आ जाती होगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? जीरो. ठीक है, और आपको इसमें थोड़ा सा ये भी बताना है, क्या वी नो दैट डेफिनेशन भी आपको बतानी पड़ेगी. रीजन पूछा जा रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा ये भी लिखेंगे कि वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. ओके, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? जीरो. और आपको डिस्टेंस की भी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, दैट डिस्टेंस इज द व्हाट? पाथ लेंथ. ओके, तो पाथ लेंथ कितना है? 100 प्लस 100. तो डिस्टेंस जीरो नहीं होती, याद रखिएगा. यही रीजन है कि आपने देखा था कि इस एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बट एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए. अ स्नेल, स्नेल समझते हैं? हाँ, ये देखिए आपकी बुक में ये बना हुआ है स्नेल, बायोलॉजी में भी आप पढ़ते हो. ओके, हाँ यस, बहुत स्लो चलता है. अ स्नेल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन, ध्यान दें थोड़ा सा, अ स्नेल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 आवर्स. कितना जाता है वो? 100 मीटर. तो ये 100 मीटर आपको क्या है? गिवन है डिस्टेंस, और कितनी देर में जाता है बताइए? 50 आवर्स. हाँ, टाइम कितना गिवन है आपको? 50 आवर. ओके, तो आपको ना इसकी स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताइए भाई. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस. ध्यान रखना है किसका? यूनिट्स का. 100 मीटर डिवाइडेड बाय 50 आर. ओके, बताइए क्या ऐसे आंसर देंगे आप? किलोमीटर नहीं, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं किलोमीटर पर आर में. फिर से ध्यान दें, किसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे? किलोमीटर पर आर में करने के लिए आप क्या करेंगे? मीटर में किसमें चेंज कर लेंगे? किलोमीटर में. और आर ऐसे ही रहेगा. बताइए इस 100 मीटर को कैसे चेंज करें किलोमीटर में? थाउजेंड से डिवाइड या मल्टीप्लाई? अच्छा, डिवाइड करते हैं भाई. क्यों भाई? यूनिट्स भी नहीं आपको पता है क्या 8 क्लास की? हाँ, 1 किलोमीटर में कितना होता है बताइए? 1000 मीटर होता है. इस बात को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं क्या? 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. तो अब यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर. हमेशा ध्यान रखिए भाई, जैसे आपको किसी भी क्वांटिटी को दूसरे, सॉरी, किसी भी यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना हो, जैसे यहाँ मीटर को किसमें चेंज करना है, याद रखिएगा इस नियम को थोड़ा सा ध्यान से. मीटर को अगर आपको किलोमीटर में ले जाना है ना, तो सबसे पहले दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए. रिलेशन तो पता ही है कि नहीं पता है? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000. और फिर जैसे ही आपको रिलेशन पता चल जाएगा ना, तुरंत आप क्या करिए, सुनिए जरा, जिस में ले जाना है, ध्यान दें जरा, जिस में ले जाना है उसको कहां रखना है? राइट हैंड साइड. फिर से ध्यान दें, जिस में ले जाना है, किस में ले जाना है आपको? किलोमीटर में.
इसलिए रिलेशन को ऐसे बॉक्स में बंद कर दो और उस रिलेशन में वो वाली यूनिट को राइट हैंड साइड ले जाओ जिसमें आपको ले जाना है। किसमें ले जाना है? किलोमीटर है, इसलिए इस बात को मैंने ऐसा पलट, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो इस बात को और मैं कैसे लिख सकता हूं? 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलो लिख सकता हूं कि नहीं इसको पलट के मैं? ओके, किलोमीटर को उधर क्यों लिया है बताओ? क्योंकि किसमें ले जाना है? किलोमीटर में। अब ऐसा करने के बाद एक पार्ट में निकाल लेना, 1 मीटर में निकाल लेना, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाय ये कहां जाता है? नीचे। अब जितने पार्ट में दिया हो उतने पार्ट में निकाल लो। अब कितने पार्ट में निकालना है? 100 मीटर में। तो देयरफॉर 100 मीटर इज इक्वल्स टू क्या करें इसको? 1 मीटर में अगर इतना किलोमीटर है तो 100 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? 100 तो 100 इनटू 1 बाय 1000 किलोमीटर। समझ में आया यूनिटरी मेथड? तो उसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट 100 मीटर को किससे डिवाइड लगा दो? 1000 से। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए भाई, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमने कैसे बनाया यूनिटरी मेथड से। समझ में आता है? फिर से जिसमें चेंज करना है उसको कहां लेके जाएंगे? राइट हैंड साइड में। और क्या लर्न होना चाहिए आपको? रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया? 0.1 किलोमीटर। ओके, तो इट विल बिकम 0.1 किलोमीटर अपॉन 50, और इसको आप सॉल्व, ओके आर, ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट हटाते हैं तो 0 लग जाता है, एंड इट विल बिकम 1/500, ओके, किलोमीटर पर आर। और सॉल्व करना होगा तो 1/5 × 100 लिख सकते हो, 500 को नहीं लिख सकते हो क्या? ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर 1/5 को बना लेंगे डिवाइड करके। ध्यान से देखिए जरा, 1 को 5 से डिवाइड लगा दीजिए, पॉइंट लगाएंगे 0, तो कितना हो गया? 5 × 2 = 10, ये हो गया कितना? 0.2, और डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है, और 100 की हेल्प से आपको पॉइंट लगाना आता है। तो इस तरीके से हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। बताइए किधर लगेगा पॉइंट? 1 प्लेस, 2 प्लेस, ये 2 0 है, इसलिए ये वाला 1 0 और 1 0 और बढ़ा लीजिए, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इट विल बिकम 0.002 किलोमीटर पर आर। इस तरीके से इसको हम किलोमीटर पर आर में चेंज करेंगे। ओके, हाँ भाई, करिए इसको। अ टॉर्टोइस मूव अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, ओके, तो डिस्टेंस इज गिवन बाय 100 मीटर एंड इन 15 मिनट्स, ओके, इस टाइम टॉर्टोइस चलता है, 100 मीटर का डिस्टेंस चलता है कितनी देर में? 15 मिनट्स में, ओके, 15 मिनट्स। क्या निकालना है हमको? स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ओके, कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान दें, ये मीटर में और ये क्या है हमारा? हाँ, ये हमारा है मिनट्स में। इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है किलोमीटर पर आवर में ले जाना है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले किस में ले जाते हैं? मीटर पर सेकंड में। आराम से चला जाएगा मीटर पर सेकंड में, ये मीटर है, और मिनट्स को किस में ले जाएंगे? सेकंड्स में। और जब मीटर पर सेकंड में आ जाएगा तो किलोमीटर पर आवर में बनाना आपको आता है। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से, ओके। तो ये देखिए, ये सिंपल हो गया, 100 मीटर डिवाइडेड बाय 15 मिनट्स को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? हाँ, ये देखिए, सिंस 1 मिनट इज इक्वल्स टू व्हाट? 60 सेकंड्स, तो 15 मिनट में कितने हो जाएंगे? किसमें ले जाना है आपको? सेकंड में। इसलिए ये क्या बना आपका बताइए? रिलेशन, ये रिलेशन है, रिलेशन में सेकंड को ही मैंने पहले से वो किधर रखा हुआ है? राइट हैंड साइड, तो इसको पलटने की जरूरत है क्या? नहीं, ओके, तो इसलिए 15 मिनट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15 × 60 सेकंड, ठीक है, 900। हां, तो इट विल बिकम 15 × 60 आप करोगे तो कितना आएगा? 900 सेकंड्स आएगा, ओके, ये सिंपल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1/9 क्या? मीटर पर सेकंड। फिर उन्होंने आंसर किसमें पूछा है? किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे बताइए? किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5, क्योंकि आप किससे ले जा रहे हो? मीटर पर सेकंड से। किलो कौन बड़ा होता है? किलोमीटर से बड़ा नंबर कहाँ आएगा? ऊपर। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। तो ये हो गया 18/5 और ये हो गया किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, 9 1 9 2 18, तो इट विल बिकम 2/5 किलोमीटर पर आवर। और आपको बनाना आता है पॉइंट्स में, 2 को किससे डिवाइड लगाएंगे, 5 से, पॉइंट लगाया 0.5 for the 20, तो इट विल बिकम 0.4 किलोमीटर पर करीब खुद से। इफ अ स्प्रिंटर रन्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रिंटर? यस, जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले, जो धावक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धावक, दौड़ लगाते हैं जो। इफ अ स्प्रिंटर रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ओके, सो डिस्टेंस इज गिवन बाय 100 मीटर एंड ये 100 मीटर को कवर करता है 9.83 सेकंड्स। आपको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्या हो जाएगा 100 मीटर डिवाइडेड बाय 9.83 क्या सेकंड्स, ओके। ये किसमें आ रही है यूनिट आपकी, मीटर पर सेकंड में, किसमें ले जाना चाहते हो, तो क्या करें इसको, क्या इसको कैंसिल करने बैठ जाओगे, क्योंकि कैंसिल तो अभी वैसे भी होगा, तो इसको सीधे किसमें चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में, कैसे होगा 18/5 से। अब ये यहाँ पे यूनिट क्या लगा देंगे, किलोमीटर पर आवर, ओके, 5 बन जाओ और ये 20 टाइम्स जाएगा, ओके। नाउ देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व होगा, 18 2 36 ये आ गया ऐसा 9.83, ओके। अब देखिए ये डिवाइड होगा क्या, ये 3 से जा रहा है, ओके, ये 3 से डिवाइड होगा, 8 + 3 कितना हो गया 11, और 11 + 9 कितना हो गया 19, सॉरी 11 + 9 = 20, तो ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो 3 से डिविजिबल नहीं है, ओके। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आप पॉइंट ऐसा हटा दीजिए और यहाँ पे क्या लग जाएगा 100, क्योंकि 1 2 2 प्लेस के बाद लगा हुआ है, तो अब आप सिंपली इसको डिवाइड कर सकते होंगे, देखिए ये हो गया 3 6 000 हो गया, और इसको आप या तो एक काम करिए, इसको ऐसे कर लीजिए 36 × 1000 लिख सकते हैं इसको, और 36 / 9.83 इसको सॉल्व कर लेते हैं, और जो भी आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो 36 को हमने डिवाइड लगाया इससे 9.83 से, ठीक है, तो किस तरीके से होगा 0.0, ओके ओके। अब बताइए पॉइंट के अंदर जब आपने जीरो लगा दिया है तो आप तो जा नहीं रहे, तो क्या करेंगे, पहले ध्यान से सुनिए, अब 9.83 का टेबल ऐसा चलाइए कि क्या आ जाए 360 आ जाए, या तो उससे छोटा, तो देखिए 9.83 × 2 करीब 2 3 6 2 8 16 1 2 9 18 19 इतना आ गया, ये तो ज्यादा आता चला जा रहा है, तो एक स्टेप पीछे चलिए, 9.83 × 0 कितना होगा 0, समझ रहे हो, थोड़ा सा डिवीजन का ध्यान रखिए, आप जो बोल रहे हैं यहाँ जीरो लगा देते हैं ना, तो वो क्यों लगा देते हैं, क्योंकि हमने टेबल एक स्टेप पीछे पढ़ लिया, ठीक है, ये देखिए। तो भाई एक बात बताइए, पॉइंट आपने लगाया पॉइंट की हेल्प से, ये देखिए पॉइंट आपने लगाया इसकी हेल्प से, यहीं पे तो एक ही तो जीरो ले सकते हो, क्या इसकी हेल्प से फिर से जीरो लगा दो, नहीं, हाँ, तो क्या करोगे, नियम सुनिए, नियम है ये कि यहाँ वाला नंबर या तो इस नंबर के इक्वल होना चाहिए या तो इससे छोटा होना चाहिए, तो टेबल एक स्टेप उल्टा चलेगा, ऐसे सोच के आप चला करिए, तो 9.83 इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार फंसता है, तो 9.83 क्या आता है 0, 0 को क्या लिख सकते हो 0 0 0, अब माइनस करिए, यही तो पढ़ाया गया है, क्यों भाई, ये देखिए 4 से डिवाइड करिए, 4 1 4, अब माइनस करते हो ना, तो 9.83 0, अब माइनस करोगे ना, तो ये आ गया 0, ये आ गया 6, और ये आ गया, अब पॉइंट की हेल्प से 0 लगाइए, ठीक है, समझ में आता है, और आप लोगों को स्कूल में ऐसे बताया गया होगा, कोई बात नहीं, आप लोगों को ऐसे बताया जाता होगा 36 पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ाया, फिर ना जाने का जीरो, फिर यहाँ आया जीरो, ऐसे बढ़ाया जाता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, ऐसा कुछ बताया जाता होगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं, इस तरीके से हम इसको करेंगे। नाउ अब ये कितने टाइम्स जाएगा भाई, अरे तो क्वेश्चन नंबर 29 ना, हाँ भाई बताइए कितने टाइम्स जाएगा ये, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स तो नहीं आएगा, करके देखते हैं, थ्री टाइम्स, 3 3 = 9, और अपनी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग रखिए, ठीक है, 3 3 = 9, 3 8 = 24, 2, 3 9 = 27, 29, यस, ये थ्री टाइम्स आएगा, फोर टाइम्स ले जाओगे आप तो इससे,
ज्यादा हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा बिकॉज कितने का गैप चल रहा है, लगभग 650 के आसपास का गैप चल रहा है, 700 के आसपास, ठीक है। और ये कितना है, 983, तो नहीं जाएगा 4 टाइम्स, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 4 इज 5, 5 और यहाँ पे क्या बच गया 5, यहाँ से 1 लेंगे तो ये 15 माइनस 9 6 और 2 माइनस 2 0, ठीक है। फिर पॉइंट की हेल्प से क्या ले सकते हैं हम, 0, ओके। आप कितने टाइम्स जाएगा बताइए, ये 6 टाइम्स जाएगा, ओके मे बी, हाँ ये 6 टाइम्स जाएगा, ये करिए है ना, 6 टाइम्स आप करके देख लीजिएगा, 6 3 जा 18, 1 6 8 जा 48, 49 4, 6 9 जा 54 प्लस 4 58, ओके। 10 माइनस 8 2, यहाँ पे क्या हो गया 0, 10 माइनस 9 1, यहाँ पे 4, 14 माइनस 8 6, फिर से पॉइंट की हेल्प से क्या हो गया 0, ओके ये हो गया। अब कितने टाइम जाएगा ये, फिर से 6 टाइम जा रहा है, फिर से 6 टाइम जा रहा है, ठीक है। तो अगेन 5 8 9 8, फिर ये 10 में से 8 गया 2, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ से 1 लेंगे तो 10 माइनस 8 इज 2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो ओके। फिर से पॉइंट की हेल्प से 0 लिया, इतना मैं क्यों कर रहा हूँ बताइए, क्योंकि कौन बैठा हुआ है 1000, अभी उस मल्टीप्लाई भी तो लगाएगा तो ये पॉइंट किधर जाएगा, पीछे, ओके, इसलिए मैं इतना लंबा डिवाइड लगा रहा हूँ। आप क्या करेंगे बताइए, 2 टाइम्स जाएगा मे बी, शायद नहीं जाएगा, हाँ जाएगा, हाँ 2 टाइम्स जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18 19, यस गुड। अब नहीं करते बस छोड़ देते, तो ये आ जाएगा कितना, ये वैल्यू कितना आ गया 0.03662 इंटू 1000, ओके। पता है आपको 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट कितने प्लेस राइट हैंड साइड जाएगा, 3 प्लेस, तो ये यहां से यहां पे आ जाएगा, तो इट विल बिकम 0.36.62, 0 का कोई मतलब नहीं है यहां पर, तो क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर। तो आपने क्या देखा, इसमें कोई बहुत नई चीज थी, क्या था इसमें, कैलकुलेशन। तो आप अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए, ये 6 7 8 के कैलकुलेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। एक मोटरसाइकिलिस्ट है वो ए से बी जाता है, ध्यान दें थोड़ा सा, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म 30 किलोमीटर पर आवर, ये जाने की स्पीड है ए टू बी, सही पैन एंगल, यस